पेंशन्स का है, 25.14 पावर सब्सिडी का। अगर टोटल आप देख लीजिए, इनके पास 3% पैसे बचे हैं पंजाब में डेवलपमेंट वर्क्स के, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, तो आप ये देखिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चीज़, एजुकेशन है, कुछ भी है, उसके लिए पैसा ही कोई नहीं। और यही वो गवर्नमेंट है आप देखिए, जिसमें इन्होंने, इनके केजरीवाल साहब ने और सीएम पंजाब ने ये बात कही थी कि जब पूछा लोगों ने कि पिछली सरकारों ने कर्जा उठाया, आप बताओ क्या करोगे, कि कहाँ से पैसे लाओगे, आमदन का ज़रिया तो ज़्यादा है नहीं। केजरीवाल साहब ने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपया फी साल मैं माइनिंग से निकालूंगा और 34,000 करोड़ निकालूंगा 1,72,000 करोड़ का तब बजट था, जो 2 लाख का आज, कि इसमें से अगर आप 20% भी लीकेजेस बंद कर दे और मैं करूंगा 34,000 करोड़ बोर होगा दोनों से, जो 54,000 करोड़ 54,000 करोड़ होगा उसमें हम डेवलपमेंट का काम करवाएंगे, इतना हमारे पास पैसा होगा। और मैं पंजाब के लोगों को इस बात का वचन देता हूँ, 1 रुपया भी हम आते टाइम में कभी डेट नहीं लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। 5 साल में ये कर्जे में बहुत हद तक हम कमी करेंगे। आप देखिए जो हमारे पास फिगर्स हैं, जनवरी एंड जब इनकी गवर्नमेंट बनी है 22 अप्रैल में, वहाँ से लेकर इस साल की जनवरी एंड तक 60,000 करोड़ रुपये इन्होंने कर्जा उठा लिए, और ये दोनों महीने फरवरी और मार्च के इन्होंने ऐड नहीं किए, तकरीबन 7,000 करोड़ इसका होगा। तो ये 67,000 करोड़ का कर्जा उठा लिया। कोई आप बात बताएं, नौजवान हमारी बच्चियों को, माताओं को, बहनों को प्रॉमिस किया 1,000 रुपया हम भत्ता देंगे महीने का, कहीं नहीं। ओल्ड एज पेंशन्स का हम 1500 देते थे, 2500 इनका प्रॉमिस है, कहीं नाम नहीं। शगन स्कीम का कहीं नाम नहीं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे मुलाजिम कब की इंतज़ार। और देखिए इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है, एक नोटिफिकेशन की जब हिमाचल और गुजरात की इलेक्शंस हो रही थी कि पंजाब में नोटिफिकेशन कर दी, उसमें कहा ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, कांग्रेस ने आकर उसके बाद हिमाचल में की, छत्तीसगढ़ में की, राजस्थान में की, आज के दिन तक देर इज़ नो नोटिफिकेशन। और जो उनके बकाए रहते हैं डीएज हैं, वो भी हमने शोर पिछले सेशन में डाला, 12% के बजाय 4% इन्होंने दिया, 8% वो रहता है, अभी सेंटर 4% और ऐड कर रहा है, अभी तक वो बकाया है। और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पिछली, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को 15% का इंक्रीज़ दिया था, और आप देखिए हैरानी की बात, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी ने बिना कैबिनेट को बताए हुए और बिना कैबिनेट की मंजूरी ले हुए वो राइट ऑफ कर दिया, कि 15% जो कांग्रेस लास्ट में आकर बढ़ोतरी कर गई थी इनमें, इनकी सैलरीज में, सभी में, वो ही इज़ टेकन इट बैक। और बहुत सारे लोगों ने हमें, एम्प्लॉयज़ ने कहा जी कि वो चीफ मिनिस्टर के नोटिस में नहीं है, मैंने कहा नोटिस में 1 हफ्ता नहीं होगा तो 2 साल ही नोटिस में नहीं, ये जानबूझकर चीफ मिनिस्टर ने खुद और फाइनेंस सेक्रेटरी ने अपने पर ना लेते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी को कह दिया आप अपने दस्तखतों से विड्रॉ कर लो। तो कुछ भी कोई नई बात आप चीमा साहब हमें बताएं, आपने 16 मेडिकल कॉलेजेस का नाम लिया, 1 का नाम नहीं, कुछ कोई ऐसी चीज़ तो एक बताएं कि आपने किया, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए। जितनी रोड्स का नाम लिया वो तो सारी नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, पुल उनके बने हुए हैं, और इतना भारी नुकसान किया। आज मेरा सवाल था, और क्योंकि लास्ट में था तो इनका था कि इनको जवाब ना देना पड़े, इरिगेशन के डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ रुपया मांगा था कि दरियाओं को बंद मजबूत करने हैं, ड्रेनें सारी साफ करनी है, तो उसके बजाय इन्होंने पैसे कितने दिए, 53 करोड़ रुपीज़, जिसकी वजह से सारा पंजाब डूबा हुआ है। आज जितने हमारे एरियाज़ हैं जहाँ सड़कें टूटी हैं, कोई रिपेयर नहीं हुई, कोई पुली रिपेयर नहीं हुई, कोई ब्रिज रिपेयर नहीं हुआ, जितने बंद हैं वो रिपेयर नहीं हुए, सो पंजाब इज़ वुड बी अगेन फेसिंग अ सिमिलर सिचुएशन, सो देर इज़ नथिंग टू शो, इट्स अ कम्प्लीट फेल्ड बजट। देखो प्रिविलेज मोशन जो, ये तो बंधु स्पीकर है हमारा जी, ये चीफ मिनिस्टर का बंधु स्पीकर है, उठकर मैंने ये जिक्र किया कि हमारी सारी पार्टी ने साइन कर हमारे एक कुलीग, एस्टीम्ड कुलीग के खिलाफ जो बहुत भद्दा टिप्पणी की है चीफ मिनिस्टर ने,
उसका कम से कम आप फैसला कीजिए। कहता मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको बताऊंगा। बताना क्या, आप देखिए आज का दिन भी गुजर गया। तो कुछ इनसे हाउस का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एक बंदू स्पीकर है, हु डज नॉट एक्सरसाइज ओन पावर्स, चीफ मिनिस्टर के इशारे पर चलने वाले हैं, तो इस गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखे हैं भाई। आज का जो बजट था बिल्कुल फर्जी बजट था, जिसमें ना तो लोगों के लिए, ना तो लोगों के लिए, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ना कोई पंजाब के इंफ्रा के लिए, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हम बाहर आके कह सकें कि वित्त मंत्री साहब ने आज ये तोहफा पंजाब के लोगों को दिया है। लास्ट में उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गई, जब महंगाई बढ़ती है तो रेवेन्यू भी बढ़ता है, फिर आपका घाटा भी बढ़ गया है, खाली रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, घाटा भी बढ़ा है, आप रोजाना नए लोन ले रहे हैं। जैसा कि बाजवा साहब ने कहा कि आपने 67,000 करोड़ रुपया अभी तक कर्जा लेना ले लिया है, दूसरी सरकारों ने कभी 70,000 करोड़ रुपया 5 सालों में लिया, पिछली सरकार ने, आपने 2 सालों में ले लिया है। आपने एक फरिश्ते स्कीम की बात की, मैंने खड़ा होकर कहा कि पिछली बार आपका फरिश्ते स्कीम के लिए मैंने धन्यवाद किया था, दिस इज अ वन गुड थिंग कि आपने किया है, लेकिन आपने इस बार भी, आप आगे से मेरे को कहने लगे कि वो लागू नहीं हुई थी। फिर आपने 20,000 करोड़ की बजट बात की थी कि रेत से आएगा माइनिंग में, बार बार बाजवा साहब ने और मैंने खड़े होके सदन में ये कहा, पहले बजट में कहा, दूसरे में कहा, अब कहा कि वहां वो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ है। मेडिकल कॉलेज, पिछली बार 16 मेडिकल कॉलेज की आपने बात की थी, अब स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए आपने 100 करोड़ का बजट रख दिया है, आप एक नई कोई आया है ब्रिलियंट स्कूल, नए स्कूल बना है, उसके लिए आपने 10 करोड़ की तजवीज रखी है। मेरे कहने का मतलब, पुराने स्कूलों के ऊपर पोचा पोची करके आपके ही लोगों ने कहा कि वो गलत हो रहा है, अभी तक दो आपने दूसरी इनॉग्रेशन की है, वो कहाँ है ये सारी बातें। और पंजाबी यूनिवर्सिटी आज मिसिंग रही, को 1 रुपया पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए जब मांग के वो मतलब के खुद गए थे भगवंत मान जी कि कभी विद्या भी घाटे में रह सकती है, कर्जे में हो सकती है, 1 रुपया नहीं, क्यों, वहां का वीसी इनकी बात नहीं मानता, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं रहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज बजट में कोई ऐसी विशेष चीज नहीं जिसको आपके सामने और लोग ये कहें कि ये तोहफा आया। ठीक कहा बाजवा साहब ने, 1500 रुपये पेंशन आपने 2500 रुपया कहा था, आपने मुआवजा का जो राशि बताई है, कितना मुआवजा दिया है, मैंने पढ़ा 450 करोड़ के नीचे नीचे कोई मुआवजा, आप तो कहते मुर्गी का मुआवजा दूंगा, आप कह रहे थे बकरी का मुआवजा दूंगा, और 550, हमने 10,000 करोड़ की मांग की थी बाजवा साहब ने, क्योंकि सड़कें, स्कूल, अस्पताल, लोगों की फसलें, और उतना तो नुकसान अब हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई तजवीज। और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका नोटिफिकेशन है हमारे पास, कॉपी है, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव थे, उन्होंने कहा था OPS लागू हो जाएगी, हमने 3 स्टेटों में OPS लागू कर दी है, हिमाचल अभी सरकार बनी, पहले साल कैबिनेट में फैसला लिया है, अगर आपको स्कीम लागू नहीं करनी आती तो हिमाचल से जरा पूछ लीजिए, हम कागज ले आते हैं उनके नोटिफिकेशन के। मेरे कहने का मतलब, नीयत में फर्क है, आज वो तमाम, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, और तमाम सी वेलफेयर स्कीम जो थी अभी तक कुछ नहीं दिया। सो मेरे कहने का मतलब, बजट पूरे का पूरा खोखला है, और इसमें पंजाब के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ नहीं है। केवल ये बातें, हमने टोल प्लाजे बंद कर दिए, जब भाई बुनियाद कम हो गई तो टोल प्लाजे आपने बंद कर दिए, बहुत से टोल प्लाजे चल रहे हैं, बंद कर दो ना आज। सो कुछ नहीं था, खोखला बजट।